फोर्ड ने इको स्पोर्ट का नया एफोर्डेबल ऑटोमेटिक वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। बता दें कि इससे पहले आपको टाइटेनियम प्लस में ही आपको ऑटोमेटिक का वेरिएंट मिलना शुरू हो जाता था, पर फोर्ड ने इको स्पोर्ट्स के साथ अब टाइटेनियम से ही आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और स्वागत करता हूं आपका इंडिया मोटर कार पे। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इको स्पोर्ट की न्यू नवेली टाइटेनियम ऑटोमेटिक के बारे में। क्या प्राइस है, क्या फीचर के साथ आती है और टाइटेनियम प्लस ऑटोमेटिक में आपको क्या फीचर मिलते हैं, दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस है, उन सारी बातों को आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। फोर्ड ने इको स्पोर्ट का नया अफोर्डेबल ऑटोमेटिक वेरिएंट टाइटेनियम 80 लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 10,66,000 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली रखी गई। इससे पहले तक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसके टॉप मॉडल टाइटेनियम प्लस में ही मिला करती थी, जिसकी कीमत 11,56,000 रुपये रखी गई है। टाइटेनियम ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत टाइटेनियम प्लस ऑटोमेटिक से 90,000 रुपये कम है। टाइटेनियम वेरिएंट में केवल पेट्रोल इंजन के ही साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है। इसमें 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है, जो 122 PS की पावर और 149 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का भी ऑप्शन मिलता है। वहीं इसके डीजल वेरिएंट में भी 1.5 लीटर BS6 इंजन दिया गया है, जिसकी पावर 100 PS और टॉर्क 215 Nm है। डीजल इंजन के साथ केवल 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, यानी कि इसमें आपको ऑटोमेटिक का विकल्प देखने के लिए नहीं मिलता है। फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम 80 में पैडल शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और नेविगेशन के साथ 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें फोर्ड पास कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसकी मदद से आप रिमोटली कार को लॉक, अनलॉक और इंजन को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। टाइटेनियम ऑटोमेटिक में सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, फ्रंट मैप लैम्प, इल्यूमिनेटेड ग्लोव बॉक्स, एम्बिएंट लाइटिंग और साइड वॉक कर्टन एयरबैग का अभाव है, यानी कि इसमें आपको नहीं मिलेगा। ये सारे फीचर आपको टाइटेनियम प्लस ऑटोमेटिक के साथ दिया गया है। टाइटेनियम ऑटोमेटिक में आपको पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें डुअल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इको स्पोर्ट्स का मुकाबला मारुति विटारा ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 300 से है। सेगमेंट में महिंद्रा XUV 300 को छोड़कर सभी कारों में पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक का गियर बॉक्स भी मिल जाता है। जल्द ही टोयोटा अर्बन क्रूजर, निसान मैग्राइट और रेनो काइगर जैसे अपकमिंग सब 4 मीटर XUV पेट्रोल ऑटोमेटिक ऑप्शन में आएंगे। इको स्पोर्ट आपको कैसी लगती है? अगर आपके पास भी इको स्पोर्ट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आपको वह कैसी लगती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।